हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से राउंडिंग कर सकते हैं। अब ये राउंडिंग क्या होती है, राउंडिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप कोई आइटम परचेस करते हो और परचेस करते समय 70 पैसे, 50 पैसे, 22 पैसे इस तरह का 770 रुपये 50 पैसे, 770 रुपये 22 पैसे ऐसे करके अमाउंट आ जाता है परचेस करने या सेल करने पर, तो वो 22 पैसे ना तो हम देते हैं ना तो लेते हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। तो उस कंडीशन में उसको राउंड किया जाता है, राउंड फिगर में लाया जाता है, या तो उसको घटा दिया जाता है या तो उसको बढ़ा दिया जाता है। तो जैसा भी नेचर हो आपके पेमेंट का, उस हिसाब से ट्रांजेक्शन का जैसा भी नेचर हो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, या तो घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि इसको हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे। सबसे पहले वी प्रेस करता हूं वाउचर में जाने के लिए, या यहाँ पर भी क्लिक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सेल्स वाउचर में हैं। हम कहाँ चलेंगे, हम परचेज वाउचर में चलेंगे और यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे देंगे, सप्लायर का इनवॉइस नंबर। और ये 1 सितंबर को खरीदारी हो रही है, जो भी खरीद रहे हैं हम, ठीक है। और हमारी जो क्रेडिटर पार्टी है उसका नाम है रितेश सी, तो ये ले लिया है हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर बना लेंगे। अगर आपने नहीं बनाया है तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए, उसे अंदर परचेज के ग्रुप में डाल सकते हैं। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो अब यहाँ पर हमें बनाना है स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आईटी टूल्स की बुक, तो यहाँ लिखता हूँ आईटी टूल्स, ये आईटी टूल्स की बुक है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर प्राइमरी रखता हूँ। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके आप यूनिट भी बना सकते हैं, मैंने पहले से बना रखा है। एंटर प्रेस करता हूँ और इसको करा लेता हूँ एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी आ रहा है, तो मान लीजिए 55 क्वांटिटीज हमने ली हैं और एक बुक की कीमत जो है 777 रुपये और 33 पैसे यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 15 पैसा है ये किसी भी ट्रांजेक्शन के इसमें नहीं आएगा। जैसे ये 15 पैसा ना तो हम किसी को दे पाएंगे ना किसी से ले पाएंगे, ठीक है। तो ये 15 पैसे को हमें राउंड करना होगा, राउंड फिगर में लेके आना होगा। तो यहां पर आ जाइए और अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहां पे लिखता हूं मैं राउंड ऑफ, ठीक है। और राउंड ऑफ लिखा हमने, एंटर प्रेस किया। इसे आप इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों में रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह का आपका ट्रांजेक्शन का नेचर है उस हिसाब से आप इसमें डील कर सकते हैं, ठीक है। अब एंटर प्रेस करता हूं, इसे हमने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहां पर दो चीजें आपको दिख रही होंगी, तीन चीजें एक्चुअली दिख रही होंगी, नॉट एप्लीकेबल डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग। तो हम यहां पे रखेंगे इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है। हम यहां कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो हम यहां पे रखेंगे इनवॉइस राउंडिंग और यहां पर मैं कर देता हूं नॉर्मल राउंडिंग। अब नॉर्मल राउंडिंग रखने से क्या होगा कि अगर आपके इनवॉइस की वैल्यू 555 रुपये 50 पैसे या 50 पैसे से अधिक आएगी तो उसको वो आगे बढ़ा देगा, यानी 555 रुपये 50 पैसे आएगा तो 556 रुपए कर देगा उसे, और 50 पैसे से कम होगा यानी कि 555 रुपए 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे 45 पैसे इस तरह का आएगा तो 555 रुपए ही उसे कर देगा। तो ये होती है, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग। अगर डाउनवर्ड राउंडिंग की बात करें तो वो पीछे लेके जाएगा, यानी 555 रुपए 40 पैसे है तो उसको पीछे ले जाएगा, और अगर अपवर्ड राउंडिंग की बात करें तो वो आगे ले जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। एंटर प्रेस करता हूं, राउंडिंग लिमिट 1 रखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने आप जो है 15 पैसा माइनस हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42,753 रुपए यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इनवॉइस राउंडिंग वाली बात आपको समझ में आई होगी। एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं चाहे तो हम, तो ये करा लिया एक्सेप्ट। अब इसी चीज को जो हमने अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाली एंट्री हमने अभी अभी बनाई है, आईटी टूल्स की बुक हमने परचेस की थी 55 किताबें। अब हम इसको सेल आउट करते हैं, तो सेल कैसे करेंगे, वी प्रेस करेंगे और सेल्स वाउचर में जाने के लिए एफ8 प्रेस करेंगे और यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर। तो यहां डेटर पार्टी का लेजर लगा लिया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करके और यहां पर, ठीक है, और सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। और यहां पर अब हमें आईटी टूल्स की बुक की बात करनी है, तो ये आईटी टूल्स हो गया और मान लीजिए कि 55 में से 54 किताबें आप आईटी टूल्स की सेल कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं और एक बुक की कीमत आपने लगाई है 996 रुपये 21 पैसे, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ टोटल आ गया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 34 पैसे हैं, ये 34 पैसे हम न दे सकते हैं न ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसको राउंडिंग राउंड फिगर में कर देंगे। जैसे कैश की बात करें तो कैश ना 34 पैसे दे पाएंगे ना ले पाएंगे, तो इसको राउंड फिगर में करने के लिए हमें क्या करना है, वही राउंड ऑफ का लेजर लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ, राउंड ऑफ आ जाएगा और ये अपने आप 34 पैसे राउंड कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे राउंड हमें करना है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।